नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भी नर्सिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग, उनके लिए फॉर्म भरने की डेट आ गई है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पीईबी के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड के द्वारा। और इसमें प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी 2021 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं केवल महिलाओं के लिए। तो सिर्फ जो गर्ल्स हैं वही फॉर्म भर सकती हैं और नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं। और इसमें आवेदन पत्र भरने की तिथि 6 सितंबर से 20 सितंबर 2022 तक। 6 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 20 सितंबर 2022। और इसमें आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि होगी 6 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक। तो आप समय रहते बिल्कुल फॉर्म भरें। इसमें जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी और उसका जो टाइम टेबल है उसमें आपका जो परीक्षा होगा वो 17 व 18 अक्टूबर 2022 यानी सोमवार एवं मंगलवार के दिन होगा। और इसमें जो आपका फर्स्ट शिफ्ट होगा उसका टाइम रहेगा रिपोर्टिंग का सुबह सात बजे से आठ बजे तक फर्स्ट शिफ्ट के रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 8:50 से 9 बजे तक आपको 10 मिनट दिया जाएगा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ने के लिए। और फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा आपकी जो आंसर है उसको मेंशन करने का, यानी जो आप उसमें टिक करेंगे उसके लिए 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसी तरह से जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें रिपोर्टिंग का टाइम होगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच तक। और इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टाइम आपको दिया जाएगा 1:50 से लेकर 2 बजे तक, यानी 10 मिनट का टाइम रहेगा आपको निर्देश या इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन के आंसर को मार्क करने का टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, और टाइम रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम 17 और 18 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट इस तरह से। अब आते हैं कि परीक्षा शहर क्या होगा यानी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो इसमें है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, दमोह, सतना, सागर, रतलाम, इन जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। तो इनमें से जो भी आपका नियरेस्ट प्लेस होगा आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आवेदन पत्र भरने और महत्वपूर्ण निर्देश के लिए आप जो वेबसाइट है www.peb.mp.gov.in इस पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें परीक्षा शुल्क क्या होगी। तो इसमें परीक्षा शुल्क जो होगी अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित अभ्यर्थी का मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट। तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए 400 रुपये की फ़ीस लगेगी, 400 रुपये एग्ज़ाम फीस है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। इसका जो फीस होगा वो 200 रुपये होगा, यानी जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे उनको 200 रुपये का एग्ज़ाम फीस लगेगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी है तो MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क लगेगा जो कि होगा 60 रुपये। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क लगेगा आपको 20 रुपये। तो इस तरह से ये फीस आपको लगेंगी। और इसमें कुछ जो निर्देश हैं या कंडीशन है उस प्रकार से है कि अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ये जितने भी कॉलेजेस होंगे नर्सिंग के वहाँ जो एडमिशन मिलेगा सबसे पहले तो गर्ल्स को ही मिलेगा, और दूसरा वो भी जो MP के मूल निवासी होंगे जिनके पास MP डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होगा मध्य प्रदेश का, उन्हीं को ही इन कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा। और अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है तो उसी के आधार पर जो है हो पाएगा। और उसमें बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटो पहचान युक्त लगना होगा, ठीक है। और इसमें
बाकी आपका आधार से जो है वो मैच कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आप जो इंस्ट्रक्शन से एक बार चेक कर सकते हैं और उसके अनुसार से जो है इसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। और ये है PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट था और डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं कि जो रूल बुक है उसमें क्या कुछ है इस संबंध में। जी, तो ये है रूल बुक जो कि आप विजिट कर सकते हैं peb.mp.gov.in, ये जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके, जो कि है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट है। वहाँ पर विजिट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रूल बुक है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2021 केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका। इसमें जैसा मैंने आपको डेट्स बताई थी आप चेक कर सकते हैं। फीस आप देख सकते हैं सभी के लिए है 400 रुपये, जो रिजर्व से आएंगे उनको 200 रुपये लगेगा, बाकी एक्स्ट्रा फीस भी हैं। एग्ज़ाम की डेट जैसा कि मैंने आपको बताया था 17 और 18 अक्टूबर को होगा, और जैसा मैंने आपको बाकी जानकारियाँ दी हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। ये रूल बुक है। अब इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी उस तरह से इसमें है कि मध्य प्रदेश शासन से है, और टेस्ट से तात्पर्य क्या है, प्री नर्सिंग, या जो ये प्री नर्सिंग कहा जा रहा है वो है BSc नर्सिंग के कोर्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट PNST, तो ये हो जाएगा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, प्री नर्सिंग चयन परीक्षा, इस परीक्षा का नाम है। यानी जो नर्सिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए, कॉलेजों में एडमिशन के लिए नर्सिंग का ये टेस्ट है, जॉब के लिए नहीं है, नर्सिंग का कोर्स करने के लिए ये टेस्ट होगा। और इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आरक्षण वगैरह रहेगा, सभी चीज़ें हैं, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। पात्रता के लिए ध्यान दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के अनुसार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तभी वो आप कर पाएंगे। दूसरा, आपके पास मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी पर। तो BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 यानी 12वीं की जो परीक्षा है उसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% अंक की छूट रहेगी। यानी जो भी स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके पास तो सबसे पहले 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनके 12वीं में कम से कम 45% अंक से पास होना चाहिए। कोई भी जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे SC ST OBC और बाकी, उन सभी के लिए 5% अंक की छूट रहेगी, यानी उनको 40% पर भी होगा, लेकिन बाकी जनरल के लिए 45% न्यूनतम अंक होने चाहिए। इसके अलावा इसमें बाकी जो मान्यता प्राप्त हैं वहाँ से भी होना चाहिए, लेकिन आपके सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना जरूरी है। अब आते हैं तो सप्लीमेंट्री वगैरह ऐसा कुछ है उनको इसमें पात्रता नहीं होगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आयु सीमा पर, यानी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट काउंट होगी आपकी 1 अक्टूबर 2021 को, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो भी कैंडिडेट जिनकी एज 17 साल है और अधिकतम 30 साल है वही जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट है। और इसके बाद इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता एवं विधवाओं के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो ये रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इन अलग अलग कैटेगरी है जिनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो 5 वर्ष की जो है वो छूट मिलेगी, यानी अधिकतम में ऐसा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपकी आयु की गणना होगी उसमें जो डेट कंसिडर की जाएगी, जो आपके मार्कशीट में अंकित होगा वही उसमें मान्य होगा, ठीक है। अब इसमें जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी उनमें आपको इस तरह से वरीयता के अनुसार से जो है सीट मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं,
ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी आपके नंबर आएंगे टेस्ट में उसके अनुसार से फिर जो कॉलेज हैं उनमें आपको जो है एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपको वो जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो भी चाहिएगा, और साथ में एक जिसमें यह होगा प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया फिटनेस प्रमाण पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र अनफिट होंगी, ध्यान रखिएगा गर्भवती, और जब आप एडमिशन ले लें तो समय मैरिज का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी गर्भवती और जो इस दौरान मैरिज करेंगे वो अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा फिजिकल फिटनेस का ये है EWS, इस तरह से सभी प्रमाण पत्र और कंडीशन है, उसको आप थोड़ा सा चेक कर लें। और 4 साल का ये कोर्स होगा, ठीक है, और टोटल जो है MP में सीटें हैं 810, ध्यान दीजिएगा टोटल सीटें MP में 810 हैं, SC ST रिजर्वेशन जनरल सब कुछ मिला के। और 4 वर्ष का जो है नर्सिंग जो विद्यालय होते हैं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्षों के सफल प्रशिक्षण उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा कार्यरत चिकित्सालयों में कहीं भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुरूप प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा, अनुबंध पत्र जमा कराने के उपरांत ही सर्टिफाइड का भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिए कि अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं जो कि 4 साल का कोर्स होगा, उसके बाद आपको स्टाफ नर्स में डायरेक्ट नौकरी मिलेगी और 5 साल तक जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको काम करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर उसमें जो भी है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी सब आप चेक कर सकते हैं। प्रवेश रद्द की भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप देख सकते हैं, झूठी या गलत जानकारी देने पर इस तरह से, ठीक है, तो आप बाकी देख सकते हैं। और इसमें जितने भी नियम और शर्त दिए हैं उसके अनुसार से आपको पालन करना होगा। अब आइए नज़र में देखते हैं कि किस प्रकार से कॉलेजेस हैं और वहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो मेन जो है इसमें सबसे पहले है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MGM इंदौर, जिसमें आपको टोटल 210 सीटें मिलेंगी। अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि जनरल को कितना है, फ्रीडम फाइटर को कितना है, सैनिक को कितना है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, इस तरह से पूरा डिवाइडेशन है, लेकिन टोटल जो है 210 सीटें हैं, बाकी आप देख सकते हैं। फिर एक दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GMC भोपाल में 120 सीटें हैं। फिर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज NSCB जबलपुर में है 120 सीटें। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर में भी 120 सीट है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रीवा में 120 सीट है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सागर 120 सीट। तो टोटल इस तरह से मध्य प्रदेश में 6 नर्सिंग कॉलेज आपको मिलेंगे और वहाँ पर टोटल 810 सीटें हैं, ठीक है। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड सैनिक, फ्रीडम फाइटर वगैरह को, और कौन कौन से रिजर्वेशन के अनुसार से सीटें मिलेंगी, ठीक है। और कंडीशंस हैं इसमें कि आपको 4 साल की जो है BSc नर्सिंग का कोर्स होगा, रहने के लिए आपको छात्रावास दिया जाएगा, लेकिन अगर छात्रावास में व्यवस्था नहीं होगी तो आपको स्वयं व्यवस्था करनी होगी, ठीक है, बाकी सब आप चेक कर सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी, ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं जाएगी, तो बहुत कंडीशंस हैं, वो सब आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें बाकी भी कुछ फीस वगैरह जो है किस प्रकार से देय होगी। प्रशिक्षण शुल्क आप देख सकते हैं 25,000 प्रतिवर्ष, कंप्यूटर शुल्क 1,000 सिर्फ एक बार, कौशन मनी 500 रुपये सिर्फ एक बार जो कि रिफंडेबल है, ट्रांसफ़र फीस 1,500 प्रतिवर्ष है, कुल शुल्क राशि 28,000 के लगभग कुछ आपको फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको फीस देना होगा, ठीक है। काउंसलिंग का अनुमान निर्धारित शुल्क दे करना होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा लगभग 28,000 रुपये का फीस आपको लगेगा। अब ये बाकी कैटेगरी में छूट होगी तो उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 28,000 का लगभग आपको जो है फीस जमा करना होगा काउंसलिंग के दौरान। हॉस्टल फीस वगैरह आप देख सकते हैं 6,000 प्रतिवर्ष हॉस्टल उपलब्ध होने पर, काउंसलिंग फीस होगी 1,000 सिर्फ एक बार। तो इस तरह से सारी फीसें जो हैं आपको लगेंगी, इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा फीसेस लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो SC ST OBC सामान्य वर्ग के होंगे तो कुछ छात्राओं को प्रतिमाह ₹3,500 4 वर्षों तो शासन द्वारा स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको
वहाँ फॉर्म वगैरह भरना होगा तो उसको आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से आप बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर ही आपको, यहाँ पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जो कि इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में हैं, वहाँ पर आपको ये एडमिशन्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हैं, बाकी जानकारी आप एक बार और चेक कर सकते हैं, पूरा रूल बुक आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ प्रश्न पत्र होगा, प्रवेश पत्र, ठीक है, एडमिट कार्ड, काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, ठीक है, और आपका आईडी प्रूफ, ठीक, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेकर नहीं जाना है। ठीक है, ये सब जानकारियों को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आप उसको चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।